चलें दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और इसमें लिखा हुआ है इंतसार, लिखा है कि हकीकत तो यह है, यही है, ना मैं शायर था ना शायर हूँ, बस अपने दिल की आवाज़ को कलमबंद कर रहा हूँ। मोहम्मद रज़ी ख़ान। मेरे अब्बू बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छी बुक्स लिखते हैं, और जिसमें से एक ये है सर फहरिस्त अनवानात हैं उनमें सारे। अब हम पंच पेज पे आते हैं जिसमें अबू ने लिखा है कि मैं सॉरी अगर उर्दू में थोड़ी सी गलती हो जाए, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी उर्दू नहीं है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। अपनी बेबसाती, शायद ये लिखा हुआ है। अच्छा, मैं लिखा है मैं अपनी ही नादानियों से गुमराह हुआ, ये गलत था, मुझे कोई बहका रहा है। मैं पागल था, भटकता फिरा दर बदर, साफ अंजाम मुझको नज़र आ रहा है। जवानी कहाँ गई, बढ़ापा हुआ मुसल्लत, अज़ा हुए कमज़ोर, नज़र कम आ रहा है। ज़िंदगी मुख्तसर थी, मैं समझा बड़ी है, अरे बेवकूफ़ अब क्यों पछता रहा है। आगे उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, मुझे माफ़ कर देना ऐ दुनिया वालों, वक्त आखिर मेरा अब करीब आ रहा है। ना बख्शा रब ने तू तेरा क्या बनेगा, यही गम मुझे अब खाए जा रहा है। मैं आखिरी लाइन आपको सुनाती हूँ, बचाया कुछ भी नहीं रज़ी ख़ान तूने, तो तूने लो देख लो खाली हाथ वो जा रहा है। मुझे जो समझ आई वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पेज में आपको बताती हूँ हिजरत का मकसद। हिजरत का मकसद जो ले के चले वो खुद ही हमने भुला दिया। वक्त हम सभी ने किए, पर इस राह पर कोई भी चल ना सका। अपने बेगाने अजीज व कारिब सभी हैं बजन मुझसे यारब, बात जो भी करूं कोई समझता नहीं, मैं ही शायद समझाना। सॉरी हिल रही है। कसूर मेरा सिर्फ यही था, करता था शिरक व बिद्दत से मना, हर एक से यही कहता रहा रास्ता है सीधा ये अल्लाह का। लड़कपन गुजरा जवानी गई, बुढ़ापे ने डेरा जमा लिया, मौका तो रब ने हमेशा दिया पर खुद को खुद से बचा ना सका। ये मुशरिकाना बातें, ये मल्दाना रस्में, सॉरी नहीं पढ़ना आ रहा, रस्में जिन्हें दीन हम समझे बैठे। फिर से पढ़ते हैं, ये मुशरिकाना बातें, ये मल्दाना रस्में जिन्हें दीन हम समझे बैठे हैं, कुरान और सुन्नत से रज़ी ख़ान माई का लाल कोई समझ ना सका। बड़ी मुश्किल है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताती रहूँगी। अबू की बहुत सारी बुक्स हैं और इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू रखूँगी और आपको बहुत सारी बुक्स से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। होप यू लाइक इट। और आपको अगर मैं कुछ गलतियाँ हो जाएँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं उर्दू में फिर बता रही हूँ, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। न्यू जनरेशन तो हम लोगों के आगे जनरेशन बहुत तो पता नहीं क्या है, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। खैर एनीवे, कोशिश बहुत करती हूँ, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा और भी सुनाऊँगी। बुक्स बहुत सारी हैं, अबू की पूरी लाइब्रेरी है, इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन लेती आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।